Hey guys, welcome to Gadgets Life. So iOS 17 के बाद पुराने iPhones की स्पीड एंड परफॉर्मेंस पे कितना फर्क पड़ा है, लेट्स चेक आउट। सो आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन iPhone XR, iPhone XS एंड iPhone 11 एंड वो भी iOS 17 के लेटेस्ट डेवलपर बेटा 2 में। एज यू कैन सी तीनों ही फोन्स फुली अपडेटेड हैं। अब स्पेक्स के मामले में आपको पता ही है, iPhone XR में मिलती है A12 बायोनिक चिप, 3GB RAM एंड फोन 2018 में लॉन्च हुआ था। एंड iPhone XR एंड iPhone XS मिनिमम सीरीज है जिसमें iOS 17 का सपोर्ट मिलता है। वहीं iPhone XS भी 2018 में ही लॉन्च हुआ था, इसमें भी A12 बायोनिक चिप है बट यहाँ पे मिलती है 1GB एक्स्ट्रा रैम एज कम्पेयर टू iPhone XR। सो देखते हैं क्या 1GB एक्स्ट्रा रैम होने का बेनिफिट iPhone XS को मिलेगा। iPhone 11 लॉन्च हुआ था 2019 में, इसमें मिलती है A13 बायोनिक चिप एंड 4GB रैम। सो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड आपको काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेंचमार्क्स की। सो आप देख सकते हैं iPhone XR के बेंचमार्क्स iPhone XS से स्लाइटली ज्यादा हैं। अब ऑब्वियसली ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। वही बात करें iPhone 11 की, इसके स्कोर्स कुछ ज्यादा ही अच्छे आए हैं एज कम्पेयर टू दीज टू फोन्स, भले हम बात करें सिंगल कोर या फिर मल्टी कोर की। एंड वही बात करें GPU स्कोर्स की, सो यहाँ पे भी iPhone XR iPhone XS से लीड कर रहा है एंड iPhone 11 तो काफी बेटर है दोनों ही फोन से। सो लेट्स सी प्रैक्टिकल लाइफ में कितना डिफरेंस रहता है। सबसे पहले परफॉर्म कर लेते हैं बूट टेस्ट, कर लेते हैं तीनों फोन्स को टर्न ऑफ, देन कर लेते हैं तीनों फोन्स को टर्न ऑन एट द सेम टाइम। ओके, सो iPhone 11 सबसे पहले बूट हो चुका है, देन इसके कुछ सेकंड्स के बाद हो गया है iPhone XS एंड इसके तुरंत बाद ही iPhone XR। अब एज ए डेवलपर बीटा वर्जन है, इसमें आपको काफी सारे लैग्स एंड जिटर्स फेस करने को मिलेंगे। एज यू कैन सी परफॉर्मेंस इतनी स्मूथ नहीं है। सो तीनों ही फोन्स कनेक्टेड एक्जैक्टली सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ, मल्टीटास्किंग में कुछ भी नहीं है, सभी एप्स क्लोज्ड हैं। स्टार्ट करते हैं बेसिक एप्लीकेशन से, सेटिंग्स ऑलमोस्ट सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं था, देन ऐप स्टोर iPhone 11 देन iPhone XS एंड XR, देन ओपन करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन यूट्यूब। सो यहाँ पे iPhone 11 एंड XS एग्जैक्टली सेम थे, उसके बाद iPhone XR था, देन कैलकुलेटर ऑलमोस्ट इक्वल, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम डिजिट एंटर कर देते हैं मल्टीटास्किंग के लिए, देन ओपन करते हैं हॉटस्टार। अगेन यहाँ पे भी iPhone 11 एंड XS एग्जैक्टली सेम थे, iPhone XR थोड़ा सा पीछे था, ऑल्दो डिफरेंसेस कुछ ज्यादा नहीं है क्योंकि काफी नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं एंड एक या दो सेकंड का डिफरेंस तो चलता ही है। नेटफ्लिक्स में iPhone XS, iPhone XR देन iPhone 11, ओपन करते हैं Amazon। iPhone XS एंड iPhone 11 काफी क्लोज थे, उसके बाद iPhone XR, देन ओपन करते हैं Flipkart। अगेन यहाँ पे भी सभी एप्लीकेशंस की तरह स्लाइट डिफरेंसेस थे। फाइनली ओपन करते हैं गेम्स को, Subway Surfers। सो यहाँ पे iPhone 11 काफी ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू दीज टू फोन्स, इनफैक्ट iPhone XS भी iPhone XR से फास्टर है, Temple Run 2। अगेन iPhone 11, iPhone XS, देन उसके बाद iPhone XR। सो ऑल्दो यहाँ पे iPhone XR एंड iPhone XS में आपको एक्जैक्टली सेम चिप मिलती है बट 1GB एक्स्ट्रा रैम होने की वजह से ऐसा लगता है दैट ये कहीं ना कहीं iPhone 11 एंड iPhone XR के बीच स्टैंड करता है। लगभग सभी एप्लीकेशंस एंड गेम्स में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। सबसे अच्छी स्पीड रहती है ऑब्वियसली iPhone 11 की, उसके बाद iPhone XS, देन लास्ट में रहता है iPhone XR। सिमिलरली फ्रूट निंजा में भी आपको सेम डिफरेंस दिख जाएगा, सुपर मारियो रन। iPhone 11, iPhone XR, उसके बाद iPhone XS, देन ओपन करते हैं Angry Birds 2। सो गाइस यहाँ पे भी वही सेम चीज फॉलो हो रही है। अब मैंने iPhone XR एंड iPhone XS की स्पीड में इतना डिफरेंस एक्सपेक्ट नहीं करा था एंड आई थिंक ये डिफरेंस iOS 17 को इंस्टॉल करने के बाद ज्यादा हो गया है बट ये कोई फाइनल स्टेबल वर्जन नहीं है। चेक करते हैं स्पीड डिफरेंस इन BGMI। सो यहाँ पे भी iPhone XR कुछ ज्यादा ही स्लो लग रहा है, वहीं iPhone XS तो iPhone 11 को काफी अच्छी टक्कर दे रहा है, दैट्स स्ट्रेंज। ओपन करते हैं नेक्स्ट गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी।
इस वाले की में भी वही सेम पैटर्न है, आईफोन 11, 10S, उसके बाद आईफोन 10R, पर डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं था। देन ओपन करते हैं लास्ट गेम एसफल्ट 9। ऑल राइट, सो यहाँ पे आईफोन 10S फर्स्ट है, उसके बाद आईफोन 11। एंड हर बार की तरह ही आईफोन 10R को गेम लोड करने में ज़्यादा टाइम लग गया। सो स्पेशली मुझे आईफोन 10R की स्पीड में थोड़ा सा डिप दिखाई दे रहा है। सो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस एंड गेम्स हमने ओपन कर लिए हैं, इट्स टाइम फॉर मल्टीटास्किंग। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा इतने पुराने आईफोन्स 3 और 4 GB रैम में कैसा परफॉर्म करते हैं। सो सभी एप्लीकेशंस ओपन करेंगे, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेटिंग्स, तीनों फोन्स की मेमोरी में है, देन ऐप स्टोर। सो इसे तीनों फोन्स ने रीलोड करा है, देन यूट्यूब, ये तीनों फोन्स की मेमोरी में है, देन कैलकुलेटर ये भी है एंड ऑब्वियसली होना भी चाहिए, देन हॉटस्टार ये भी तीनों फोन्स की मेमोरी में है, दैट्स गुड, देन नेटफ्लिक्स अगेन सेम रिजल्ट्स, देन अमेज़ॉन भी तीनों फोन्स की मेमोरी में है, देन फ्लिपकार्ट अगेन ये भी है। देन ओपन करते हैं गेम्स को, ऑल राइट, सो यहाँ पे तीनों फोन्स इसको रीलोड कर रहे हैं एंड आई थिंक अब आपको यहाँ पे स्ट्रगल देखना शुरू हो जाएगा तीनों फोन्स के रैम मैनेजमेंट में। टेम्पल रन 2 को भी तीनों फोन्स दोबारा से लोड कर रहे हैं। देन ओपन करते हैं फ्रूट निंजा, अगेन इसे भी रीलोड कर रहे हैं। इसके बाद ओपन करते हैं सुपर मारियो रन एंड सभी गेम्स की तरह इस गेम को भी तीनों ही फोन्स दोबारा से लोड कर रहे हैं। देन ओपन करते हैं एंग्री बर्ड्स 2। ओके, सो ये गेम आईफोन 11 की मेमोरी में है, आईफोन 10S एंड 10R दोबारा से लोड कर रहे हैं। सो आईफोन 11 में अब तक एक गेम में एडवांटेज दिखा है। ओपन करते हैं BGMI, आईफोन 11 एंड आईफोन 10S की मेमोरी में है, आईफोन 10R दोबारा से लोड कर रहा है। देन इसके बाद ओपन करते हैं अगली गेम कॉल ऑफ ड्यूटी, ये गेम तीनों फोन्स की मेमोरी में है, किसी ने भी रीलोड नहीं करा है। देन ओपन करते हैं हमारी लास्ट गेम एसफल्ट 9। ओके, सो सरप्राइजिंगली आईफोन 10S की मेमोरी में है एंड आईफोन 10R के साथ साथ आईफोन 11 भी रीलोड कर रहा है। इसके बाद चेक कर लेते हैं वीडियो स्क्रबिंग एंड वीडियो एडिटिंग कितना डिफरेंस है। सो यहाँ पे मैंने 4K 60 FPS फुटेज पिक्चर इन पिक्चर मोड पे लगा दी है। सो ऑल दो यहाँ पे आईफोन 10R में भी कोई मेजर लैग्स या फिर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। इसी तरीके से आईफोन 10S भी काफी स्मूथ स्क्रबिंग है। वही बात करें आईफोन 11 की, सो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस थोड़ी सी और बेटर मिल रही है। एज यू कैन सी जो डिले है इतना ज्यादा नहीं है जितना डिले आपको आईफोन 10R में मिलता है। सो यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली सेम फिल्टर अप्लाई कर दिया है। बात करें सेटिंग्स की तो हम रखने वाले मैक्सिमम 4K 60 FPS। लेट्स सी यहाँ पे रेंडरिंग स्पीड में कितना डिफरेंस रहता है, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे iPhone 11 ने काफी अच्छी स्पीड प्रोवाइड करी है एंड जैसे ही आप और भी हैवी एडिटिंग करोगे आपको और भी ज्यादा फर्क दिखेगा। इसके कुछ सेकंड्स के बाद ही कर लिया iPhone 10S ने भी कंप्लीट एंड iPhone 10R को अगेन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें ब्राइटनेस ड्रॉप की, तो दोनों फोन्स ने कर लिया ब्राइटनेस ड्रॉप, बट कंपैरेटिवली iPhone 10R ने ब्राइटनेस को ज्यादा ड्रॉप करा है। एंड ये चीज तो आपको मैंने पहले भी बताई है दैट आईफोन 10S कहीं ना कहीं आईफोन 10R इनफैक्ट आईफोन 11 से भी बेटर है इस डिपार्टमेंट में। ये ब्राइटनेस को इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं करता है, बाकी हार्डली 1 या 2 मिनट का ही डिफरेंस रहता है। ज्यादा हीट होने के बाद तो सभी आईफोन्स ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेते हैं। सो गाइस ये था इन तीनों फोन्स के बीच स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। अब रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं एंड आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वहीं ऑब्वियसली लेटेस्ट आईफोन्स में आपको iOS 17 की परफॉर्मेंस बेटर ही मिलेगी एंड जो आईफोन सबसे पुराने होते हैं उन पे फर्क दिखता है, बट यहाँ पे मुझे आईफोन 10S में इतना फर्क नहीं दिखा जितना आईफोन 10R में दिखा। सो लेट्स सी नेक्स्ट डेवलपर बेटा वर्जन्स में या फिर फाइनल पब्लिक स्टेबल वर्जन में एक्चुअल डिफरेंस कितना रहेगा। आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।